हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो कुछ जंतुओं के बारे में हम पढ़ चुके थे, जैसे बंदर, लोएंटेड लंगूर, ऐसे ही और भी जो पक्षी थे, टूकन पक्षी। तो ये कुछ इस टाइप के जो जंतु होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हमारा आज का टॉपिक है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंतुओं में हाथी। हाथी के बारे में पढ़ेंगे हम। आप डायग्राम में देख सकते हैं हाथी को। तो ये हाथी है, आप देखते हैं सामान्यतः इसको, तो ये कैसा होता है? भारी होता है, बड़ा होता है, यानी ये क्या है? एक विशाल जंतु है। एक विशाल जंतु है। इसके शरीर का भार भी क्या होता है? ज्यादा होता है। वजन कैसा होता है? ज्यादा होता है। तो ये हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पाया जा रहा है हाथी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आता है, आप हाथी को देख सकते हैं डायग्राम में। तो सबसे पहले देखिए, इसकी बात आती है सूंड। इसका जो सूंड होता है, इसको ये किस ऑर्गन के रूप में यूज ले सकता है, बता सकते हैं आप? देखिए, हम सांस लेने के लिए नाक का यूज कर रहे हैं, कभी कभी माउथ का यूज भी होता है, लेकिन जो हाथी है वो सूंड का यूज किसकी जगह करता है? नाक के रूप में। नाक के रूप में सूंड को ये यूज लेता है। अब इसकी सूंड की हम देखते हैं शेप के बारे में। तो इसका सूंड कैसा होता है? लंबाई में बहुत बड़ा होता है। तो इसकी सूंड कैसी होती है? लंबी होती है। और किस ऑर्गन के रूप में यूज ले रहा है? नाक के रूप में। अब देखिए, ये जब एक ऑर्गन के रूप में, एक आवश्यक अंग के रूप में हाथी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका कुछ स्पेशल काम भी होगा। आप खुद सोच के देखिए क्या काम होगा इसका। हम नाक से क्या करते हैं? स्मेल भी आती है हमें नाक से। तो ये क्या करता है? इसी सूंड से सूंघता है, लेकिन इसकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत अच्छी होती है। सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जब हम नाक से हम भी सूंघ सकते हैं, तो हम जब सूंघ रहे हैं उससे, तो हम हाथी के बजाय कम सूंघ पाते हैं, जबकि इस हाथी में नाक की जगह एक बड़ा ऑर्गन, एक बड़ा अंग जिसको हम सूंड बोल रहे हैं वो प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा? उसकी भी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत हाई होगी। इसके अलावा ये सूंड से क्या काम करे? तो सूंघने की शक्ति, यानी किसी भी भोजन को, चीज को सूंघ रहा है। नेक्स्ट काम करता है ये भोजन को उठाने में। अभी हमारी तरह थोड़े होता है कि इसने अपने हाथ यूज कर लिए, पैर यूज कर लिए। ये क्या करता है? भोजन को उठाने के लिए अपनी सूंड का यूज करता है। ये सूंड दिख रही है बड़ी इसकी, इसको ये यूज करता है। तो हम इसके सूंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि सूंड के क्या क्या काम होते हैं और ये क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी। तो हमने पढ़ा, नाक की जगह यूज होगा, भोजन उठाने में सहायता करेगा और सूंघने की जगह काम करेगा, सूंघने का काम करेगा। अब आगे आता है कि इसके जो दांत दिखाई देते हैं बाहर से, उनके बारे में। तो नेक्स्ट है भय्य दंत। यानी कि जो बाहर से हमें दिख रहे हैं बड़े बड़े दांत, ये इसके भय्य दंत कहलाते हैं।
और इनको क्या बोलते हैं, इनको रद बोलते हैं। ये रद वर्ड भी दांतों के लिए ही यूज में लिया जाता है, लेकिन ये रद वास्तव में होते क्या हैं? ये दांतों का रूपांतरण होते हैं। क्या हो गए? ये रूपांतरित दंत होते हैं, दांतों का रूपांतरण होते हैं। तो ये इसके बाह्य दांतों के बारे में था। इसके दांत क्या करते हैं, सॉरी दांत को क्या कहते हैं, रद कहते हैं, जो क्या होते हैं, दांतों का रूपांतरण होते हैं, दांतों का ही रूपांतरित रूप होते हैं। अब आते हैं इसके कार्य। दांतों के क्या कार्य हैं? ये जैसे कि कुछ भी पेड़ है कोई, जैसे गन्ना है मान लीजिए, तो ये क्या करते हैं, पेड़ों की छाल उनको आसानी से छीलते हैं, तो उनकी जो पेड़ों की जो बाह्य त्वचा होती है उसको छीलने में सहायता करते हैं। आसानी से दांतों की सहायता से ही छील सकते हैं। क्योंकि इनके दांत क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और उन दांतों की सहायता, उन जब वो दांत बड़े हैं तो उनका कुछ काम भी होगा, तो क्या कर सकते हैं, ये जो वृक्ष पेड़ होते हैं उनको, उनकी छाल को आसानी से हटा सकते हैं ताकि आराम से अपना भोजन ग्रहण कर सके। तो अब हम इसके कान के बारे में पढ़ेंगे। बाकी दो जो ऑर्गन थे उनके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसकी सूंड और दूसरा था इसके दांत, और इनके कार्य भी बता चुके हैं। एंड अब आता है कान। इसके कान आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सामान्य जीवों के कान होते हैं उनसे इनका आकार कैसा है, बड़ा। जब ये जंतु बड़ा है इसके कान भी बड़े हैं। तो देखिए, हमने इसकी सूंड के बारे में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसकी सूंड बड़ी है तो उसके सूंघने की क्षमता ज्यादा है, इसके दांत बड़े हैं तो वो क्या कर रहे हैं, छीलने में काम आ रहे हैं, और इसके जब कान बड़े हैं तो ये क्या है, बहुत सेंसिटिव है, यानी ये बहुत हल्के ध्वनि को भी सुनने में समर्थ होते हैं। तो इसके कानों के क्या काम हो गए? बहुत हल्की ध्वनि को भी सुन सकते हैं ये, तो ये इनके कानों की विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसके कान एक और इम्पोर्टेंट काम करते हैं, आप जानते हैं उसके बारे में? अब हम बताते हैं इसको आपका एक और इंटरेस्टिंग काम, कि इनके जो कान हैं ये किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, हाथी किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, वर्षा वनों में। तो वहां क्या होता है, वहां की जलवायु गर्म होती है। कैसे होती है जलवायु? गर्म। वहां की जब जलवायु गर्म है और बारिश वहां में अच्छे से होती है, तो मौसम क्या, जलवायु गर्म और कैसे होती है, आर्द्र यानी नमी होती है उसके अंदर। तो ये इस टाइप की जलवायु में, यानी कि जब इनको गर्मी महसूस हो रही है तो उस जलवायु में इनको ठंडा रखने में सहायक होते हैं। आर्द्र जलवायु में ठंडा रखने में सहायक होते हैं। तो ये इसके कान के बारे में था। तो इस तरह से हाथी जो है वो एक कैसा जंतु है, एक विशाल जंतु है, और इसके अंदर कुछ जो स्पेशल क्वालिटीज थी उसके बारे में हमने पढ़ा। और ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो वर्षा वन होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के अनुकूलन शो करते हैं। वो किस लिए? अपने आप को उस मौसम में,
उस जलवायु में सर्वाइव करने के लिए और अपनी बॉडी में चेंज करते हैं वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए। जैसे इनकी नाक की जगह कौन सा ऑर्गन आ रहा है, सूंड आ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कि हाथी की सूंड मानव शरीर के किस या फिर अन्य जो जंतु होते हैं उनके किस भाग के रूप में काम करती है, नाक के रूप में। काम क्या करती है, ये सूंघने का और भोजन को उठाने का। या फिर आगे क्वेश्चन बनता है इसके दांत के बारे में कि इसके दांत या फिर इसके रद्द वर्ड यूज लिया जाएगा, इनका रूपांतरित हाथी के रूपांतरित दंतों को क्या कहते हैं, उनको रद्द कहते हैं। या फिर इसके कार्य पूछ सकता है कि हाथी के दांतों के कार्य बताइए, तो ये क्या करता है, आसानी से छीनने में काम आता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है इसके कान के बारे में, कान क्या करते हैं, बहुत हल्की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज कि ये जिस प्रकार की जलवायु है, गर्म जलवायु है, उस गर्म जलवायु में इनके शरीर को ठंडा रखने में सहायता करते हैं। अब देखिए इसके जो दांत होते हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं, इनसे बहुत ही उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं जो कि बहुत महंगी भी होती हैं। या फिर जैसे हाथी दांत का चूड़ा बनाया जाता है, बहुत फेमस है ये, हाथी के दांतों से चूड़ा बनाया जाता है। इसलिए इसके जो दांत हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इसके शरीर का, जो कि इसका खाना भोजन जो है, पेड़ जो है, जिस पेड़ को खाना है उसको छीलने में हेल्प कर रहे हैं इसकी। और ऊपर से उनका बहुत ही महंगी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनसे, जैसे हाथी दांत के चूड़े बनते हैं, और भी सजावट की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, बनाई जाती हैं इनसे और दैनिक जीवन में हम उनका यूज लेते हैं। तो हमने उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन थे वहाँ पाए जाने वाले जीवों के बारे में पढ़ा और उनका एक पार्ट था हाथी, तो हमने हाथी के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।